हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम पोरियम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज से फिर से आपकी जो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2020 की जो है क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज से जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन सीरीज़, जो कि आपके लिए रहेगी IBPS AFO 2020 के लिए। तो जिसकी आज की पहली क्लास है, आप थंबनेल यहां पर देख सकते हैं कि पहली क्लास है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको जो है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जो है अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, सेशन को लाइक करें अगर आपको लगता है कि सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है, हेल्पफुल है। और शेयर भी करना नहीं भूलना है, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो 1000 क्वेश्चन सीरीज का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वार्म सीजन क्रॉप्स इन डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा वार्म सीजन क्रॉप्स के लिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं यहाँ से आप सभी को बताऊँगा कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि आपका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो 30 से 38 डिग्री से डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि ये जो है वार्म क्रॉप के लिए जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। जो चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इन चार में से वो कौन सा है जो कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो है आपका होगा यहाँ पे जिंक, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिंक जो है एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश लाइज अंडर विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन। आपका जो छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये जो है कौन से क्लाइमेटिक जोन में लाई करते हैं या किस क्लाइमेटिक जोन के अंडर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको हम बताएंगे। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन जो है ट्रांसगैंगेटिक है, उसके बाद जो है आपका ईस्टर्न है, मिडिल है और सेंट्रल है। तो आंसर यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों आपका वो है ऑप्शन यहाँ पर कौन सा, फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स में ये आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ दोस्तों जो है वो आपका ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्लांट पॉपुलेशन फॉर सॉल्ट हाइब्रिड राइस। यहाँ पे जो है सॉल्ट हाइब्रिड राइस जो है उसके लिए प्लांट पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, सेशन को जो है लाइक करते चलना है, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको PDF भी इसकी प्रोवाइड कराऊँगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप PDF फाइल विद आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर जो होगा फ्रेंड्स यहां पे आपका ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यह है आपका 6 × 33 है। तो यहां पर जो है इतनी जो है प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहां पे जो है आपका ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिपिंग इज रिलेटेड टू, स्टिपिंग जो है स्टिपिंग आपसे जो है ये किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो है वो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड। ये जो स्टिपिंग जो है जूट से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉजिंग पैथोजन इन बनाना ग्रुप, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी के कारण केले समूह में रोगाजनक है। तो यहाँ पर कौन सा पैथोजन है, यानी किसमें, ये आपको बताना है बनाना ग्रुप में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर। तो यहाँ पे आंसर जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स का वो ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा, सीडोमोनास सोलेनेंसियरम, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉजिंग पैथोजन इन एप्पल ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सी जो है बीमारी का कारण है कौन से एप्पल ग्रुप में। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, और आंसर यहां पे जो है आपका होगा यहां पे ऑप्शन सेकंड। तो करेक्ट आंसर जो है आपका राइजोपास स्टोलोनाइफर जो है करेक्ट आंसर यहां पर होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पॉपुलरली नोन एज पूसा इंस्टीट्यूट बिगेन इन 1905 एट पूसा बिहार। दिस इंस्टीट्यूट वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली ऑन। ये जो इंस्टीट्यूट जो कि IAR है, जो कि पहले पूसा बिहार में हुआ करता था, ये जो है दिल्ली कब शिफ्ट हुआ, ये जो है पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है और आता रहता है, इसका जो है रिपीटेशन भी होता रहता है। तो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है 29 जुलाई 1936। तो यहाँ पे देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन फर्स्ट में जो है ये है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट 29 जुलाई 1936 को जो है ये पूसा बिहार से जो है ये दिल्ली शिफ्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिकल क्रॉप या फ्रूट, यानी कि जो चार ऑप्शन दिए हैं इन चार में से कौन सा जो है ट्रॉपिकल क्रॉप या फिर फ्रूट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चलिए करते हैं कि क्या होगा राइट आंसर, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है आपका ये क्या है, ये ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनिंग इन गुआवा इज ड्यू टू, अमरूद में जो ब्राउनिंग होती है वो किसके कारण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, जिंक। जिंक की वजह से जो है ब्राउनिंग हो जाती है गुआवा में, यानी कि अमरूद में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल मिलेट इज़ अ रैपिड ग्रोइंग वार्म वेदर क्रॉप, व्हाट इज़ द कॉमन सीड रेट ऑफ पर मिलेट फॉर 2 हेक्टेयर, यानी कि 2 हेक्टेयर के लिए जो है पर्ल मिलेट जो होता है उसका जो है सीड रेट क्या होगा, कॉमन सीड रेट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, सामान्य बीज दर कितनी होगी। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कॉमन सीड रेट पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11th और करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो 8 to 10 kg होता है। तो यहाँ पे ये जो यूनिट लिखी हुई है ये सभी kg में है, तो यहाँ पे 8 to 10 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन द बेडरॉक एंड इट्स प्रेजेंट कैन बी ओनली मेड थ्रू OM लाइटनिंग माइक्रोब्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है लाइटनिंग जो OM इसके थ्रू होता है, तो यहाँ पे आपका वो कौन सा न्यूट्रिएंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12th और आंसर यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 12th का वो होगा ऑप्शन यहाँ पे जो है सेकंड, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड एसोसिएटेड विद एरोमेटिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स। इन निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन अमीनो एसिड का घटक है और पौधों में सुगंधित यौगिकों के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और आंसर यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका है वो है सल्फर, यानी कि ऑप्शन फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड थ्राइव्स वेल इन ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट, देयरफॉर मस्टर्ड मोस्टली ग्रो एज रबी सीजन क्रॉप, व्हाट इज द सीड रेट फॉर फिक्स्ड क्रॉप मिक्स्ड क्रॉप इन पर हेक्टेयर। यानी कि जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है उसमें जो है मस्टर्ड जो है उसका सीड रेट कितना होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है पर हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो है आपका होगा 2 to 3 kg, यानी कि 2 to 3 kg जो है ये बहुत होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ मैग्नीज न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट एब्जॉर्प्शन, पौधे के अवशोषण के लिए मैग्नीज पोषक तत्व का रूप क्या है। तो यहाँ पे जो है पौधों में जो ये किस फॉर्म में पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे कि मैग्नीज जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, तो वो आपका जो है ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। ये जो है MN डबल पॉजिटिव चार्ज के साथ में रहता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है आपका क्या है, पॉजिटिव आयंस यहाँ पर होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ गवर्नर इन द इंजन, यहाँ पे जो इंजन में जो गवर्नर होता है उसका पर्पज क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16th और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो है, जो इसका आंसर होता है वो क्या करता है, ये जो है इंजन की स्पीड को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इस ये इंजन की स्पीड को जब रेगुलेट करता है तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, टू रेगुलेट द इंजन स्पीड, ये इंजन की स्पीड को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज टू, क्रैंक शाफ्ट का काम क्या होता है, पावर द पिस्टन,
और या टर्न द फ्लाई व्हील, ऑपरेट वॉल्व्स, या ऑल आर करेक्ट, या सभी सही हैं या फिर इनमें से कोई होगा। तो आंसर जो है 17 क्वेश्चन नंबर आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ, ऑल आर करेक्ट, सभी के सभी जो यहाँ पे सही है। करेंट शाफ्ट के जो काम होते हैं वो पावर द पिस्टन और जो है टर्न द फ्लाई व्हील उसको भी फिर और ऑपरेट द वॉल्व्स को भी ये क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो सभी के सभी ऊपर के तीनों जो है करेक्ट आंसर हैं, यानी कि आंसर फोर्थ आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच एक्ट एज एनर्जी एक्सचेंजर, पौधे के पोषक तत्व का सही समूह जो ऊर्जा एक्सचेंजर्स के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 और आंसर यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से जो सही होगा, यानी कि वो कौन सा ग्रुप है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का जो कि एनर्जी एक्सचेंजर का वर्क करता है। तो आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन थर्ड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्या होगा आपका, ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, केमिकल विच रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज, रासायनिक स्टोमेटा के जो है ओपनिंग और उसके जो है समापन को नियंत्रित कौन करता है। तो यहाँ पर आंसर जो है ओपनिंग और उसकी जो क्लोजिंग होती है वो पीएमए के द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड ही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशनल होल्डिंग रेफर्स टू द, ऑपरेशनल होल्डिंग से क्या तात्पर्य है। तो ये दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा है तो दोस्तों आपको जो है बताना है, इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसे भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो होमवर्क दिया गया है उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है, और साथ ही साथ आप के लिए मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा। आज जो है मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन जो है शामिल किए हैं, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं जो है और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, क्योंकि आपको जो है मुझे 1000 क्वेश्चंस देने ही देने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं एवरीडे आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा आप सभी लोग जो है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा है, और आपको किन किन टॉपिक्स पर जो है वीडियो चाहिए वो भी आप बताएंगे, तो उन्हें भी उन टॉपिक्स के भी क्वेश्चन हम इसमें शामिल करेंगे, उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही रखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।